वेलकम टू ऑल इन वन। आज का टॉपिक जो है वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्केल्स। तो आज हम लोग स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेसन के बाद एक एक करके हम लोग स्केल का ड्राइंग भी सीखेंगे। तो स्केल का इंट्रोडक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए मैं ये लेसन बना रहा हूँ। तो स्केल क्या होते हैं? स्केल के नाम सुनते ही हम लोगों का दिमाग में जो आता है वो है ऐसा एक स्केल, और कोई भी एक स्केल जो हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाने में काम में लगाते हैं, मतलब कोई भी स्केल जिससे हम मेजरमेंट कर सके या स्ट्रेट लाइन बना सके। ठीक है, तो यहाँ इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्केल का बहुत सारे यूज़ है। स्केल का टाइप भी बहुत सारे होते हैं, वो एक एक करके हम सारे बताएंगे आप लोगों को। किसी ड्राइंग में अगर बड़ा कोई चीज़ बनाना हो, मतलब कि हमारा एक घर है जो कि है, सपोज़ कि एक घर है हमारा, इसका डायमेंशन है ये है 3 मीटर का और ये है 8 मीटर का। तो ये जो है 8x3 मीटर का जो रूम, ये हम एक ड्राइंग शीट में नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा एक जो ड्राइंग शीट होता है उसका साइज बहुत छोटा होता है। तो 3 मीटर जो होता है वो एक ड्राइंग शीट में बनाना इम्पॉसिबल है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 मीटर को एक 3 मीटर को हम 3 सेंटीमीटर ले सकते हैं, मतलब कि इसका एक रेशियो में इसको कम करना होता है, क्योंकि हम लोग एक सीट में एक रूम नहीं बना सकते। ठीक है, मतलब रूम नहीं, कुछ भी चीज़ रूम हो सकता है या कोई भी ड्राइंग हो सकता है। और क्या होता है कि अगर कोई खूब बहुत छोटा कुछ चीज़ हो, ऐसा बहुत छोट मतलब कि एक बहुत छोटा चीज़ है यहाँ पर जो इसका डायमेंशन है वो 1 मिलीमीटर से भी कम है, तो इसको हम लोग एक रेशियो में बढ़ा के बड़ा ड्राइंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ रिप्रेजेंटेटिंग स्केल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रिप्रेजेंटेटिंग स्केल्स, तो ये क्या होता है? रिप्रेजेंटिंग स्केल के नाम सुन के ही मालूम पड़ा है कि स्केल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें, मतलब कि ये वाला जो ड्राइंग था इसको अगर हम बना देते हैं 3 मीटर को 3 सेंटीमीटर लेके, तो किसी को सब लोगों को समझ में तो आना चाहिए ये बात। अगर इसको रिप्रेजेंट नहीं किया गया तो सबको समझ में नहीं आएगा, इसलिए रिप्रेजेंटिंग स्केल्स का यूज़ करते हैं। ये क्या होता है कि यहाँ पर लिखते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, ये लिख सकते हैं, मतलब 1 मीटर का जो ड्राइंग मेरा बना था उसको हम 1 सेंटीमीटर में ड्राइंग में दिखा रहे हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर का कुछ कोई ड्राइंग था उसको हम 1 सेंटीमीटर में ड्राइंग में दिखा रहे हैं। और क्या लिख सकते हैं, 1:100, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अब देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसको स्केल में RF बोलता है। इसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF, ये क्या है, असल में ये एक रेशियो है। इसका हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1:100, ये हो गया एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, इस तो ये जो 1:100 है, इससे हम लोगों को पता चल रहा है कि ये एक रेशियो है। तो ये रेशियो किस किस के बीच में है, तो ये है द रेशियो बिटवीन द साइज ऑफ ड्राइंग एंड द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ड्राइंग
ऑब्जेक्ट ओरिजिनल, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का जो लेंथ होता है वो होता है, ठीक है। यहाँ तो ड्राइंग हो चुका है, साइज ऑफ ड्राइंग बाय ऑब्जेक्ट लेंथ इन ओरिजिनल। तो यहाँ पर एक यूनिट अगर ड्राइंग में है तो 100 यूनिट है ओरिजिनल में, तो ड्राइंग में 1 सेंटीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का लेंथ। यहाँ पर 1 मीटर भी हो सकता है, 100 मीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यूनिट सेम होगा, ठीक है। ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो इसके बाद देखते हैं स्केल का टाइप्स। अब स्केल 3 टाइप का होता है साइज वाइज, ठीक है, साइज वाइज स्केल। यहाँ पर साइज एक नंबर में रिड्यूसिंग स्केल, दो नंबर में फुल स्केल, तीन नंबर में एनलार्जिंग स्केल। तो आप जानेंगे कि रिड्यूसिंग स्केल क्या होता है। तो रिड्यूसिंग स्केल क्या होता है, रिड्यूसिंग स्केल होता है कि ये जो बताया था एक बड़ा कोई चीज़ है उसका ड्राइंग हम लोगों को ड्राइंग शीट में छोटा करके बनाना होता है, तब हम लोग यूज़ करते हैं रिड्यूसिंग स्केल, मतलब साइज को रिड्यूस करके बनाना होता है। तो ये होता है रिड्यूसिंग स्केल। अब देखना है फुल स्केल। फुल स्केल क्या होता है, जो एक्चुअल डायमेंशन होता है ड्राइंग का वही डायमेंशन होता है हमारा ऑब्जेक्ट का। मतलब अगर हमारा कोई चीज़ है, यहाँ पर दिखाते हैं, यह है 1 सेंटीमीटर एंड ये भी 1 सेंटीमीटर, इसको हम सेम साइज में ड्राइंग के बोर्ड में बना रहे हैं, ड्राइंग पेपर पे और ड्राइंग शीट में बना रहे हैं, तब हम लोग जो स्केल यूज़ करते हैं वो होता है फुल स्केल। मतलब कोई चेंजेस नहीं करना पड़ता है रेशियो वाइज, ठीक है, वो होता है हमारा फुल स्केल। मतलब जो भी है ऑब्जेक्ट में वही सेम साइज ड्राइंग में भी होगा, तब वो हो जाता है फुल स्केल। अब है नंबर 3 पे एनलार्जिंग स्केल। ये क्या होता है, ये मैंने यहाँ पर बताया था, कोई छोटा, बहुत छोटा कोई चीज़ है जिसका डायमेंशन बहुत छोटा है उसको हम लोग ड्राइंग में थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं, ठीक है, तब हम लोगों को एनलार्जिंग स्केल बना लेकर काम करना पड़ता है। क्योंकि एनलार्जिंग में हम लोगों को ऐसे ही समझ में आ रहा है, नाम सुन के ही मालूम हो रहा है कि एनलार्ज होगा, जो चीज़ हम लोग छोटा देखते हैं ऑब्जेक्ट वो हमारा थोड़ा बड़ा करके दिखाना होगा ड्राइंग में, तब हम लोग यूज़ करेंगे एनलार्जिंग स्केल। तो एनलार्जिंग स्केल जब यूज़ करेंगे तब स्केल कैसा होगा, एग्जांपल में देखते हैं। मतलब यहाँ जो लिखा था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये होता है रिड्यूसिंग स्केल में। रिड्यूसिंग स्केल में ऐसा लिखा जाता है 1:100, ठीक है, मतलब कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और एनलार्जिंग और फुल स्केल में क्या होता है, 1:1, ठीक है, यहाँ पर मतलब कि साइज ऑफ ड्राइंग जो है ऑब्जेक्ट इन ओरिजिनल सेम है, तब वो हो जाता है फुल स्केल। एनलार्जिंग स्केल में क्या होता है, एनलार्जिंग स्केल में होता है रिड्यूसिंग स्केल का ठीक उल्टा, मतलब 100:1 हम लोग लिख सकते हैं, 100:1। तो यहाँ पर क्या होता है कि ड्राइंग में यहाँ 100:1, तो यहाँ साइज ऑफ ड्राइंग होता है 100 और ऑब्जेक्ट इन ओरिजिनल होता है 1, मतलब कि ड्राइंग है हमारा 1 मिलीमीटर का, तो मतलब सॉरी ऑब्जेक्ट है हमारा 1 मिलीमीटर का और ड्राइंग जो होगा वो होगा 100 मिलीमीटर का। मतलब चीज़ छोटा है उसको बड़ा करके दिखाना है, तब हम लोग एनलार्जिंग स्केल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया साइज वाइज स्केल का। अब क्या है कि कंस्ट्रक्शन वाइज भी स्केल का डिफरेंस होता है, मतलब यहाँ पर टाइप वाइज लिखते हैं। टाइप वाइज स्केल का जो डिवीजन होता है वो दिखाते हैं।
पर एक नंबर पे लिखते हैं प्लेन स्केल, दो नंबर में डायगोनल स्केल, तीन नंबर में कंपैरेटिव स्केल, चार नंबर में वर्नियर स्केल, पांच नंबर में स्केल ऑफ कॉर्ड्स। ठीक है, ये सारे टाइप्स होते हैं टाइप वाइज डिवीजन में। तो प्लेन स्केल क्या होता है? प्लेन स्केल वही होता है जिस स्केल में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक डायमेंशन का या दो डायमेंशन का मेजरमेंट कर सकते हैं। मतलब कि जो प्लेन स्केल हम लोग यूज़ करते हैं, जो प्लास्टिक का स्केल होता है, वो स्केल में हम लोग देख सकोगे क्या होता है कि एक यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः करके जैसे सेंटीमीटर लिखा होता है, 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर इसका 10 हिस्सा हिस्सों में बटा जाता है ऐसे। मतलब ये सेंटीमीटर होता है और ये मिलीमीटर होता है। ये होता है प्लेन स्केल। मतलब कि प्लेन स्केल में हम लोग या तो सेंटीमीटर और इंच माप सकते हैं, या सेंटीमीटर और उसके अंदर जो भाग होता है उसका, नहीं तो एक डायमेंशन और उसका जो छोटा हिस्सा होता है उसको माप सकते हैं। तो वो होता है हमारा प्लेन स्केल। ठीक है, अब डायगोनल स्केल में क्या होता है? ये होता है एक डायगोनल स्केल, ऐसा होता है डायगोनल स्केल। ठीक है, इसमें क्या है, मतलब इसमें हम लोग तीन यूनिट का मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी मिनिमम तीन यूनिट्स हम लोग को मेजर होना चाहिए एक डायगोनल स्केल से। तो उसमें सेंटीमीटर होता हो सकता है, उसके अंदर मिलीमीटर हो सकता है, और मिलीमीटर से भी छोटा हो सकता है, और या तो कोई भी तीन डायमेंशन हम लोगों को मेज़र करना चाहिए। अब क्या है कंपैरेटिव स्केल। ठीक है, तो ये कंपैरेटिव स्केल क्या होता है? द स्केल हैविंग सेम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसमें जो है ये कंपैरेटिव स्केल हमारा डायगोनल स्केल भी हो सकता है और प्लेन स्केल भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं वर्नियर स्केल में। तो वर्नियर स्केल क्या होता है? वर्नियर स्केल फिजिक्स के लेबोरेटरी में आप लोग देखे होंगे कि वो कैसा होता है। उसमें जो एक प्राइमरी स्केल होता है एंड उसके अंदर एक वर्नियर स्केल होता है। तो ये किस लिए बनाया गया है वर्नियर स्केल? वर्नियर स्केल बहुत छोटे छोटे यूनिट को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए बनाया गया है। मतलब कि जैसे ये एक पेन है, इस पेन का जो डायमीटर है इसको हम स्केल से ऐसे नहीं मेजर कर सकते। जो वर्नियर स्केल होता है उससे हम लोग एक्यूरेटली इस पेन का डायमीटर नाप सकते हैं। ठीक है, इसलिए वर्नियर स्केल बनाया गया। और लास्ट में आता है स्केल ऑफ कॉर्ड्स। तो स्केल ऑफ कॉर्ड्स क्या है? इसके मदद से अगर आपके पास कोई प्रोटेक्टर नहीं है तो इसके मदद से आप कोई एंगल को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जो प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल इसी का ड्राइंग करना होगा। तो अगले लेसन में हम लोग प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल के प्रॉब्लम लेके देखेंगे और इसको कैसे ड्राइंग करते हैं ये भी सीखेंगे।